सब कहना चाहता हूँ, लाली जी बहुत ही कर्मठ समयनिष्ठ महिला थी। आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, लेकिन ये समय से कभी पीछे नहीं हटी, समय पर आती थी और जो भी काम दिया जाता था, खास करके परीक्षा विभाग, फतुहा हाई स्कूल का परीक्षा विभाग, जब से मैं यहाँ आया हूँ 2012 से, उसके पहले से यह परीक्षा विभाग को संभाल रही हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू रूप से यह परीक्षा का संचालन करवाती थी। और समय पर रिजल्ट देना या बोर्ड में रिजल्ट भेजना हो, सब समय पर इनके सहयोग से ही होता था। कभी विद्यालय को कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं क्या कहूँ इनके साथ, बहुत हम आगे की कामना यही करेंगे ईश्वर से कि जो भी इनका जीवन शेष है, अपने खुशहाली के रूप में जिए। और मैं तो इनको हमेशा के लिए आमंत्रित कर दिया हूँ विद्यालय में आने का, कि आपको जब भी इच्छा हो, मेरे तरफ से आपका हमेशा वेलकम रहेगा विद्यालय में। विद्यालय परिवार की ओर से आप आइए हम लोगों के बीच और विद्यार्थी के बीच आकर अपना संपूर्ण योगदान। यहाँ पर कार्यरत हूँ और मैंने यहाँ, जैसे मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे कभी इस क्षेत्र से कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे कभी कोई ऐसा बुरा अनुभव भी नहीं हुआ कि मैं बाहर से आई हूँ, झारखंड से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से तो प्यार मिला ही, गार्जियन से भी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से भी मुझे अपना प्यार मिला। सब कोई अपना सा मुझे प्यार दिए, जिससे मैं अपने सारे दुख चिंताओं को भूलकर विद्यालय के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दी। और मैं यही चाहती हूँ कि हम कोई भी कर्मचारी हैं, किसी भी पद पर हैं, हमें जो कार्य दिया जाता है उसे हम यदि लगन से करें तो हम सरकार को भी साथ दे सकते हैं, जनता का भी साथ दे सकते हैं और अपने परिवार को भी खुशहाल बना सकते हैं। मैं अपने छोटे सभी शिक्षक कर्मचारियों को यही उनसे शुभकामना करती हूं और यही उनके लिए एक संदेश देती हूं कि वे भी अपने आप को, कर्म ही पूजा है के आधार पर अपना कार्य करते जाएं निस्वार्थ भाव से। और हमें बच्चों के बीच में रहने के लिए जो अवसर मिला है, उस अवसर को हम अपने गुणों के माध्यम से बच्चों में अपने गुणों को भरने की कोशिश करें और अपने समान और अपने से भी अच्छे नागरिक बनाने का प्रयत्न करें और फतुहा को आगे बढ़ाएं, जिससे फतुहा के बच्चे बिहार, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी जाकर अपना नाम करें।